नमस्कार, आप देख रहे हैं N1 लाइव। मैं हूं नेहा शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसे लागू किया जा सकता है। असल में पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में, जहां बीजेपी की ही सरकार है, वहां भी इस कानून के लागू करने पर अमल किया जा रहा है। N1 डिबेट में हम इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे हमारे आज के लीगल एक्सपर्ट सुदर्शन ठाकुर जी से, जो मूलतः हिमाचल वासी हैं और कानून के साथ साथ हिमाचल को भी बतौर राज्य समझते हैं। तो सुदर्शन जी, सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और हमारे हिमाचली दर्शकों के लिए बताइए कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? लीगल एक्सपर्ट होने के साथ साथ आप आसान भाषा में भी हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। देखिए मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिक संहिता, मतलब समान नागरिक संहिता इसका मतलब है। और इसका मूल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मतलब है कि एक स्टेट में सबके लिए एक समान कानून सिविल, उसमें शादी ब्याह तलाक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हो, वो हर धर्म के लोग जो है इस कानून के तहत समान रूप से आएंगे जी। इसके फायदे क्या हैं? न्यायपालिका को सबसे ज़्यादा इसका फायदा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि न्यायपालिका कोर्ट में उनको हिंदू पर्सनल लॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉज, पारसी पर्सनल लॉज, ईसाई पर्सनल लॉज, अलग अलग कानून के तहत उनको केस डिसाइड करने पड़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर एक बार लागू हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा इसका जो फायदा है वो न्यायपालिका कोर्ट के लिए है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि तेजी से जो मसले हैं, जो लंबित होते हैं, लंबे लंबे समय से पड़े रहते हैं कोर्ट के पास, तो वो अब तेजी से निपटना शुरू हो जाएंगे? जी मैम जी, खास करके अगर आप देखिए शादी से रिलेटेड या ट्रिपल तलाक के मुद्दे जो राजनीतिक तौर पे पिछले हम 2-3 सालों से देख रहे हैं, और दूसरे भी जो रिलेटेड है, प्रॉपर्टी रिलेटेड है, हिंदू लॉज में सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वर्डिक्ट है, जायदाद से रिलेटेड, लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड, बेटियों के लिए, तो वो एक पक्ष ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कोर्ट के लिए फायदेमंद है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा है कि इसको, इस पर हम विचार करेंगे, तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, शायद इससे इनको अभी पूरा इसको स्टडी नहीं किया हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड को, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है कि आपके ट्राइबल एरिया में हिंदू एक्ट लागू नहीं है। आज के डेट में आप किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, बरमोर में अगर आप जाएंगे, वहां पे आपके हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 2 कहता है कि दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन ट्राइबल एरियाज। ये माननीय मुख्यमंत्री को शायद उनके लॉ ऑफिसर्स या जो लीगल एडवाइजर्स हैं उन्होंने बताया नहीं होगा। आपके किन्नौर में, लाहौल स्पीति में अगर आप जाइए, पांगी में जाइए, वहां पे जो है रिवाजे आम कानून है। माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कई डिसीजन में कहा है कि ट्राइबल एरिया में हिंदू एक्ट्स नहीं लागू होंगे, उनके लिए स्पेशल रिवाजे आम है, वो उनके जो कस्टमरी राइट्स हैं जी, जो कल्चर हैं, जो कस्टमरी राइट्स रिवाजे आम के थे, तो उन पे जो है वो होगा। अब ये बताइए कि अगर आप सबसे पहले तो मुस्लिम और क्रिश्चियन को अलग करिए, आप हिंदू में जो हिंदू हैं जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, खासकर ट्राइबल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जी, आप वहाँ पे सेक्शन 2D आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, तलाक, शादी, वो आपके हिंदू लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है, आप जो है इस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के तो कहीं ये, जैसा आपने कहा कि शायद मुख्यमंत्री ने अपने ही जो है भौगोलिक संरचना या अपनी ही आबादी को समझने में चूक की है, जैसे कि ट्राइबल लॉ की बात कर रहे हैं आप, तो रिवाजे आम जो एक कस्टमरी राइट है, कस्टमरी लॉ है, तो ट्राइबल एरिया में हिमाचल प्रदेश के अगर आप देखें, एक बहुत बड़ा एरिया ज्योग्राफिकल अगर आप देखिए, वो ट्राइबल एरिया में वहां पे कहीं पे भी आपका हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 2D, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 आपका ये कहता है कि दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन ट्राइबल एरियाज। सबसे पहले आप हिंदू लॉज के, जो हिंदू आपके पर्सनल लॉज हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी कराइए वहां पे। वहाँ पे तो क्या ये सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जयराम कह रहे हैं, ये अगेंस्ट जा सकता है उनके खुद के ही, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, वो इससे कतई खुश नहीं होंगे? ये बेटियों के राइट्स पे एक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने, डिवीजन बेंच ने एक राइट दिया था कि ये जो हिंदू लॉ है ये ट्राइबल एरिया के महिलाओं पे भी उनके प्रॉपर्टी राइट के लिए लागू कर दिया था। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, 7 सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जी। वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टमरी अभी कहा नहीं है, स्टे किया हुआ है कि भाई आपके जब एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं है, आप कैसे थोक सकते हैं कि आप
हिंदू डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप ये कार्रवाई करिए। हिमाचल हाई कोर्ट का जस्टिस राजीव शर्मा का वर्डिक्ट है जी। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री कह रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, और हिमाचल में अगर आप आइए बिलासपुर या दूसरे एरियाज में आइए, वहाँ भी कस्टमरी राइट्स हैं, गुज्जर्स लोग रहते हैं, गद्दी हैं, कांगड़ा बरमोर में, वहाँ उनके अपने कस्टमरी राइट्स प्रिवेल्स करते हैं। तो यानी अगर हम सीधे सीधे समझना चाहें कि जो अपर हिमाचल है यानी जो ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं हिमाचल के, वहाँ के जो जनजातियां ट्राइबल हैं समुदाय, उनके खिलाफ तो ये जाता ही है, साथ ही साथ जो लोअर बेल्ट है हिमाचल का जो मैदानी इलाकों में शामिल होता है, वहाँ पे भी जो जनजातियां जैसे आपने गद्दी समुदाय का जिक्र किया, गुज्जर समुदाय का जिक्र किया, उनके भी अगेंस्ट जा सकता है ये। देखिए मैम, अगर आप स्पीति में अगर कस्टमरी राइट्स पे देखें तो स्पीति जो लाहौल स्पीति का एक ब्लॉक है स्पीति में जी, प्रॉपर्टी राइट में वहाँ पे जो सबसे बड़ा लड़का है सिर्फ उसको प्रॉपर्टी राइट मिलता है, कस्टमरी राइट जो स्पीति के कस्टमरी राइट जी। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं नीचे के, अगर आपके सेकंड या थर्ड जो लड़के हैं उनको प्रॉपर्टी का आज तक कोई हिस्सा नहीं मिलता है स्पीति ब्लॉक में जी। तो आप कैसे आप उनको थोपेंगे कि जी आप जी यूनिफॉर्म सिविल कोड है आप ये करें? आप उनके कल्चर, उनके जो कम्युनिटी के जो फीलिंग्स है, सबसे पहले आप उसको हाथ करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिमाचल की संस्कृति की जो मूल भावना है, जो मूल यहाँ पर आधार है, उसके साथ ही ये ऐसा लग रहा है कि बिना एग्जामिन किए, बिना जैसे आपने कहा कि होमवर्क नहीं किया है शायद जयराम जी ने, और ये किसी प्रेशर के तहत आया हुआ स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है। नहीं, ये जो इनके जो चार MLA ट्राइबल एरिया से चार MLA हैं, सबसे पहले उनसे ये पूछा जाए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, क्योंकि जो चुनाव जो है आने वाला है जी। तो ये बड़ा मजेदार वो है कि आप के जो कंसर्न ट्राइबल एरिया के MLAs हैं या दूसरे जहां कस्टमरी राइट जहां प्रिवेल है वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं जी। क्योंकि मैरिज एक्ट में, डिवोर्स एक्ट, वो कस्टमरी राइट से ही वहाँ पे सब कुछ होता है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये नकल कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स की, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे, जैसे उत्तराखंड से खुद की कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर बीजेपी जैसे यूपी में भी उन्होंने कहा है कि योगी सरकार अमल में ला रही है, हो सकता है कि आने वाले दिन में यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाए। तो ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है ये हिमाचल में नहीं चलने वाली है? ये हिमाचल में जो पॉपुलेशन जो परसेंटेज है वो हिंदुओं की ज़्यादा है, माइनॉरिटी में कम है, लेकिन वहाँ तो हिंदू मुस्लिम या दूसरे समुदाय के साथ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप जो है कहने को ये भी आ रहा है कि आप जो हिंदू लॉज या हिंदू प्रैक्टिसेस को ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन यहाँ तो आपका एक पॉपुलेशन वो हिंदू ही है। देखिए जो पर्सनल लॉज हैं उनके, मुस्लिम के पर्सनल लॉज अलग हैं, पारसी के पर्सनल लॉज अलग हैं, जो हिंदू के हमारे चार पर्सनल लॉज हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू प्रॉपर्टी राइट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। जब ये चार जो हिंदू के जो हिंदू लॉज के जो हमारे संसद से जो पास हुआ एक्ट आपके एक मेजर पोर्शन में एप्लीकेबल नहीं है जहाँ कस्टमरी राइट है, तो वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे काम करेगा? पहले आप वो हिंदू लॉज एप्लीकेबल कराइए उस एरिया में। तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल ही अभी प्री मैच्योर बात स्टेटमेंट कह सकते हैं आप कि जयराम सरकार की तरफ से आई है, लेकिन बार बार ये बीजेपी का जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स का जो सेंटर पॉइंट रहा है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है। ऐसे में बीजेपी का इतना बड़ा स्टेटमेंट लेकर आना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राज्य में ये कोशिश है कि जो पोलराइजेशन की कोशिश जिसमें हमेशा दिखती रही है भगवा पार्टी, तो ये कोशिश हो सकती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पोलराइजेशन का असर यहाँ पर दिखे? नहीं, पोलराइजेशन सबसे पहले इनके अपने विधायकों के जवाबदेही है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाके क्या कहोगे कि जी आपके जो संविधान या हमारे जो रिवाजे आम जो एक लॉ है हमारे जो कल्चर और कस्टम को बचाने के लिए है कि वो आप अपने किस तरीके से आप शादी करोगे, किस तरीके से आप प्रॉपर्टी राइट करोगे, और प्रॉपर्टी राइट के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में भी अभी पेंडिंग मैटर है, तो उनको आप क्या जवाब दोगे कि आपके हमने कस्टमरी राइट खत्म कर दिया? लेकिन पॉलिटिक्स की जब खास तौर पर बात करते हैं सुदर्शन जी, तो अब तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नेतृत्व जो है ज़्यादातर राजपूत समुदाय के जाति के लोगों को मिला है, तो ऐसे में ये जो है स्टेटमेंट या फिर ये बात जब यहाँ पर उठी है तो ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ध्यान में रखकर उठाई गई है कि राजपूत या ब्राह्मण, इनके हाथ में लीडरशिप रही है हिमाचल की।
देखिए ये राजपूत वाला जो वो है अभी प्रेजेंट सरकार के पीछे भी इनके काफ़ी वहाँ पे FIR वगैरह लॉज या अटेम्प्ट टू जी मर्डर कर रहा है। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो सकता है राजपूत के पास राजपूतों के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो खास करके सिविल कोड ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से राजपूत और ब्राह्मण का कोई ज़्यादा इस पे होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो लॉज हैं वो उस पे कवर हो रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बेसिकली ये उन स्टेट्स के लिए है जहाँ पे दूसरे धर्म के लोग ज़्यादा हैं। जी हिमाचल में तो ऑलरेडी जो है दूसरे माइनॉरिटीज़ जो है बड़े कम तादाद पे हैं। जी तो क्योंकि देश के जैसे कि ये भी है कि गोवा में ये पहले से ही लागू है, और साथ ही साथ यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देशों में ये पहले से ही लागू है। तो बीजेपी इसी तरह से प्रोजेक्ट करिए कि जिन जगहों पर ये कोड लागू है वहाँ पर जो है विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इस दलील को कैसे देखते हैं देखिए मैम, अगर आप हिमाचल में देखिए हर आप? 15 किलोमीटर में आपको लैंग्वेजेस में थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाएगा, आपके कल्चर्स डिफरेंट हो जाएंगे। जी हर डिस्ट्रिक्ट के अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई वैलीज हैं, उनके कई कल्चर्स हैं, तो वो वहाँ पे मेनली जो लोग हैं पहाड़ी लोग हैं वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। अब आप कहो जी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इवन यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप कुल्लू का जो रिचुअल्स हैं जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल ऊना से वहाँ पंजाबी कल्चर है, कुल्लू का डिफरेंट है। लाहौल में अगर आप जाइए हर 15 किलोमीटर में आपको डिफरेंट बेलीज मिलेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो वो सबके सब जो है रिवाजे आम जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि कोर्ट ने भी मोहर लगाई है कि जी भाई इस एरिया पे जो है इनके अपने जो रिवाजे आम कानून है उसके अंडर ये काम करेंगे। तो यानी हिमाचल का जो यहाँ पर बैकग्राउंड है या बैकड्रॉप है, ये कह रहा है कि जो अभी स्ट्रक्चर हिमाचल में है, जो हमें ट्राइबल एरिया की बात हो या दूसरे समुदाय की बात हो, यही इसकी मूल भावना, और इसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अगर हिमाचल में ऐसी बात हम कर रहे हैं तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी यही चीज़ लागू होनी चाहिए, जब हम बात खासकर यूपी की करते हैं या फिर गोवा की करते हैं। देखिए वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है जी कि स्टेट इसको प्रमोट करे, प्रमोट करे, सबको एक बराबर कानून हो, जी सबको एक बराबर का न्याय मिले सबको। लेकिन हमारे जो देश का जो एरिया है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिफरेंट है, हमारा रहन सहन खान पान, आप उत्तराखंड से भी बहुत डिफरेंट जी है क्योंकि उत्तराखंड में भी ये देखिए अभी वहाँ पे हिमाचल में ऐसे कोई नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम वाली बातें हों। अगर आप उत्तराखंड में जाइए वहाँ पे धर्म संसद कई बार ये मुद्दे बनाए हैं इन्होंने, इलेक्शन में भी ये था। पर अभी अभी हिमाचल में भी धर्म संसद का आयोजन हुआ था जिसमें कुछ विवादास्पद बयान आए थे जिस पर अधिकारियों ने वहां पर नहीं ये मैं इधर ये कहना चाहूँगा, हिमाचल में मेजोरिटी ऑफ हिमाचल के पहाड़ी लोग इस पे ज़्यादा धर्म धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते, ये आउटसाइडर आके यहाँ पे थोड़े से ये धर्म संसद वगैरह वगैरह कार्यक्रम करते हैं। मेजोरिटी हिमाचल में वो लोग अपने मजदूरी और खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं, उनको ये ज़्यादा इस राइट्स या ये समुदायिक दूसरे माइनॉरिटीज तो के साथ आप लड़ाई कह रहे हैं झगड़ा। शांति प्रिय यहाँ जी पर जी जी जनता है, तो वो धर्म से अलग वो विकास और प्रगति में जो है इसका इसका खास ख्याल रखती है। लेकिन फिर भी जब बात आती है कि विकास की, तो युवा बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होता है सुदर्शन जी, ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है युवाओं को काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है, इस पॉइंट को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं ये जैसे मैंने ये शुरू में कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि समानता सबके लिए एक बराबर। बिल्कुल अब ये समानता हमारे धर्म में जो मुस्लिम है, मुस्लिम्स कोई शादी में जैसे उनको 3 शादी का जो वो है अलाउ पर्सनल लॉ जो है उनको जी अलाउ करते हैं। हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में कि अब खाने का उनका सिस्टम अलग है हमारा अलग है। अब सपोज अब आप बोलेंगे जी कोई रिचुअल या त्यौहार आ रहे हैं तो आप जो है सारे के सारे जो कसाई के दुकानें बंद कर दो, तो ये जैसे दिल्ली में कई बार ये इशू उठा है। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स जो बार बार हमारे सामने आती है, जैसे नवरात्रों में इस तरह की मीट शॉप की दुकानें बंद कर दी जाती हैं, तो इस तरह के जो जैसे कर्नाटक का हिजाब रो था, तो इस तरह की इंसिडेंट्स बढ़ेंगे, घटनाएं ज़्यादा सामने आएंगी अगर इस तरह के कोड की बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाती है। ये देखिए आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक जो है आप किसी को फोर्स करेंगे कि आप ये करिए, आप उनके जो मूल रूप से जो संविधान हमारे को आर्टिकल 21 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप जो है किसी भी धर्म को किसी भी उसको आप कर सकते हैं, जी तो ये एक्चुअली में क्या है कि ये जो कहने को जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आप इसके माध्यम से हिंदुओं माइनॉरिटीज़ पे हिंदू के जो है
जो कानून है उसको थोपा जाए, तो ये मुझे नहीं लगता है कि भाई ये मुनासिब नहीं होगा। 47 से आज तक आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट को इसने एलो किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, लेकिन बहुत कम स्टेट है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज तक लागू किया है। जी, और गोवा उनमें से एक है, तो गोवा में ये किस तरह से काम करेगी? गोवा में ये पुर्तगालीज के टाइम से ही ये कानून लागू है, हाँ, लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले ही वहाँ पे ये उनके कस्टमर ही उसमें शुरू से ही पुर्तगाल के टाइम से ही है वहाँ पे। अब उत्तराखंड ने भी कोई कमेटी बनाई है, वहाँ पे भी अभी कोई मतलब वो रिसर्च ही कर रहे हैं। तो हिमाचल में मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं होगा, खास करके ये जो लोकल जो रिवाज़े आम कानून या दूसरे पर जब खास करके हम हिमाचल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि मुस्लिम की तादाद नहीं है या फिर दूसरे धर्म के, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुल समुदाय यहाँ पर निवास करते हैं, ऐसे में इसकी मुखालफत कौन करेगा, विरोध करने के लिए कौन सा समुदाय आएगा? क्योंकि जो छोटे छोटे ट्राइबल एरिया या फिर कम्युनिटीज़ हैं उनमें एकजुटता लाना आना और उसके बाद ये लंबा प्रोसेस में चला जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ये कहना गलत है, क्योंकि ये हिमाचल हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक बार ये किसी केस में जो ट्राइबल्स एरिया में जो बेटियां हैं उनको प्रॉपर्टी राइट का हिस्सा के लिए एक कानून, मतलब हाईकोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया था जी। ये लोग इकट्ठे होके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उसको स्टे है जी। जो ये कहते हैं कि हमारे रिवाजे आम में जो कानून है उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो इसमें जो याचिका करता थे, इसमें जो ट्राइबल याचिका करता थे, ये हिमाचल की कई जातियों को मिलाकर यहाँ पर ये प्ली डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने विरोध किया था हाईकोर्ट के फैसले का। जी जी जी, हालांकि इसमें कई महिलाएं हैं, महिलाएं जो है इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के आए उन्होंने इसको स्टे किया हुआ है। वो कहते हैं कि हमारे जो लोकल कस्टमरी लॉ है वो ही प्रिवेल होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि यूनिटी की जब बात आएगी तो यहाँ पे जो बेशक अलग अलग जनजाति या फिर आदिवासी यहाँ पे समुदाय है, लेकिन जब बात कानून की आती है तो उनमें एक अवेयरनेस है और वो इस चीज के खिलाफ बिना देरी किए ही आवाज बुलंद करेंगे। जी जी, जी। तो फिर अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जयराम जी का ये जो है स्टेटमेंट आना, क्या लग रहा है कि कितना असर दूसरी पार्टियों के परफॉर्मेंस पे डाल सकता है? देखिए मैम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बात करेंगे जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनके जो कैंडिडेट होंगे वो किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी भरमौर या दूसरे गद्दी बहुमूल्य जो गुज्जर एरियाज हैं वहाँ पे क्या ये वो कहेंगे कि जी आपके जो लोकल लॉज को हमने ख़त्म कर दिया, अब यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा? तो ये जवाबदेही इनके कैंडिडेट्स के लिए गले की हड्डी है जी। हाँ, ये वहाँ की जनता को ये कैसे बताएंगे कि आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा रहे हैं और आपके जो सारे कस्टमरी राइट्स हैं, लॉज हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे? तो विधानसभा में मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा इस मुद्दे को ज़्यादा उछाल पाएंगे जी। लेकिन जब बात हम विरोधी दलों की करें तो क्या वो एक इसको मुद्दा बनाइए, खुलकर मुखालफत कर पाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोधी? जी ज़रूर, अभी एक्चुअली में लोगों में क्या है कि इसके बारे में नॉलेज नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्या चीज़ है। अब यूनिफॉर्म एक बोलेंगे कि समान कानून है तब तो सब कहेंगे जी ठीक है, लेकिन जब आप इसको कहेंगे कि आपके जो है लोकल लॉज हैं, लोकल जो आपके कस्टमरी लॉज हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तब लोगों के लिए वहाँ पे लोगों के लिए जब उनको समझ में तब आएगा जी। नड्डा जी पिछले दो हफ्तों में यहाँ पर दो बार आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और रोड शो किए, अलग अलग बूथ लेवल पर भी कार्यकर्ताओं से बातचीत किए, क्या लग रहा है नड्डा जी ने कुछ भापा होगा यहाँ पर तब जाकर बाद में अब ये जयराम सर मुख्यमंत्री का ये बयान आया है, क्या भापा होगा नड्डा जी ने, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखिए, जब से पंजाब इलेक्शन का रिजल्ट जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है तो ये पहले बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को जी। अब जब धीरे धीरे लोगों का रुझान इस पार्टी की तरफ जाके दिल्ली में भी जाके लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि इनके पास अभी कोई बहुत बड़ा फेस नहीं है, चेहरा नहीं है जी। लेकिन ये पार्टी आम आदमी पार्टी के पंजाब जीतने के बाद हिमाचल में दोनों दलों के अंदर खलबली है, क्योंकि ये अंडरकरंट चल रहा है, अभी 5-6 महीने इलेक्शंस को हैं, कुछ भी हो सकता है जी। तो ये नड्डा जी और मुख्यमंत्री जी के भी अभी बिजली का जो रेट कम करना हो गया, दूसरे जो फ्री चीजें माफ कर दिए जी जी, 125 ये आम आदमी पार्टी के अंडरकरंट को समझ रहे हैं।
तो ये कहीं से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जयराम, मुख्यमंत्री जयराम, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में बिना होमवर्क किए हुए ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सुदर्शन जी, आपने लीगली ये समझाया कि हिमाचल वासियों को कितना पसंद आएगा ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का, और बिना समय गवाए हो सकता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ बुलंद हो जाए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस वीडियो को अपनी लाइक देना ना भूलें, और वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एनुअल लाइव पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलूंगी आपसे हिमाचल के किसी और विषय पर डिबेट के साथ। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और निडर पत्रकारिता को यूँ ही अपना समर्थन देते रहिए।